नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स के एक आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जो फिल्म अवार्ड जिसका नाम बाफ्टा है इसके बारे में अपन चर्चा लेंगे। ये 73वां यानी 73वां एडिशन था ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2020 का। और ये बाफ्टा जो कि 2 फरवरी 2020 के दिन लंदन यूके के ओपेरा हाउस से दिया गया था, इसके बारे में डिटेल लेंगे। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाफ्टा 2 फरवरी को और ऑस्कर 9 फरवरी को आया था और 9 फरवरी और 2 फरवरी 2020 के दिन ये दो बड़े जो विश्व के सबसे बड़े फिल्म जगत के अवार्ड होते हैं ऑस्कर और बाफ्टा, इनकी धूम थी। और धूम बिल्कुल लगभग सेम सी निकली, यानी जोकर पिक्चर ने भी धमाल मचाया, साथ में साउथ कोरिया की जो एक मूवी है जिसका नाम पैरासाइट है इसने भी धमाल मचाया। इसके अलावा वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड मूवी ने भी धमाल मचाया और साथ में ब्रिटिश वॉरियर्स की एक मूवी जिसका नाम 1917 था इसने भी इसमें धमाल मचाया। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि बाफ्टा में जो विनर थे लगभग वो कि वही ऑस्कर के अंदर रहे एक दो को छोड़कर। तो चलते हैं बाफ्टा और ऑस्कर के बीच में कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। इस बार जो 2020 के अंदर जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे इसका ये 92वां एडिशन था और बाफ्टा का ये 73वां एडिशन था। इस बार जो ऑस्कर थे वो 9 फरवरी के दिन दिए गए थे 2020 के दिन, जबकि बाफ्टा 2 फरवरी 2020 के दिन दिए गए थे। लेकिन पहला अवार्ड जो था वो ऑस्कर का 16 मई 1929 में दिया गया था, जबकि बाफ्टा का 29 मई 1949 में दिया गया था, यानी इसके 20 साल बाद बाफ्टा स्टार्ट हुआ था। ऑस्कर को हम अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका अदर नेम अकेडमी अवार्ड है, जबकि बाफ्टा का अदर नेम जो है वो ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड है। ऑस्कर जो है वो डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएस से दिया गया था 9 फरवरी 2020 के दिन, और बाफ्टा यानी ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड ओपेरा हाउस लंदन यूके से दिया गया था 2 फरवरी 2020 के दिन। 2020 की जो मैक्सिमम अवार्ड विनर मूवी जो थी ऑस्कर में वो थी पैरासाइट, जो कि एक साउथ कोरियन मूवी है, और 4 ऑस्कर अवार्ड ये लेके गई। बाफ्टा की बातचीत होती है तो मूवी 1917 धमाल मचा के गई जिसने 7 बाफ्टा अवार्ड जीते। और अब बाफ्टा अवार्ड को हम डिटेल से लेते हैं। बाफ्टा के अंदर जो बेस्ट मूवी थी वो 1917 गई, जबकि ऑस्कर के अंदर यहाँ पे ये मूवी पैरासाइट थी। बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश बाफ्टा के अंदर पैरासाइट आई, और जबकि ऑस्कर में भी पैरासाइट थी। बेस्ट डायरेक्टर की बातचीत चले तो यहाँ पे सैम मेंडेस को मिला जो 1917 मूवी के डायरेक्टर थे, जबकि ऑस्कर के अंदर बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जो जीता था वो जोंग वून जोक ने जीता था, जो कि पैरासाइट मूवी के डायरेक्टर थे। बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस आपके रैनी जेलविंगर ने जीता, जो कि जूडी पिक्चर से थी, और ये कई अवार्ड उन्होंने ऑस्कर में जीता। बेस्ट लीडिंग एक्टर में जोकर मूवी के किरदार जिन्होंने जोकर का किरदार निभाया उन्होंने जीता, जिनका नाम था जोकिन फिनिक्स, और ये जोकिन फिनिक्स ने आपका ऑस्कर अवार्ड जीता बेस्ट एक्टर का। यानी मैं कह सकता हूँ बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस सेम थे, साथ में सपोर्टिंग एक्टर और सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी सेम थे ऑस्कर और बाफ्टा में। यदि बाफ्टा की बातचीत होती तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब ब्रैड पिट को मिला जो वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड मूवी के अंदर थे, और ऑस्कर में भी इन्हीं को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बातचीत चले तो लॉरा ड्रेन को मिला मैरिज स्टोरी के लिए बाफ्टा, और साथ में ऑस्कर भी उनको मिला इसी मूवी के लिए और इसी कैटेगरी के लिए। उसके पश्चात यदि मैं चलता हूँ बेस्ट एडिटिंग, तो बेस्ट एडिटिंग का बाफ्टा खिताब मिला था ली मैन 66 मूवी को, और जबकि ऑस्कर में बेस्ट एडिटिंग का खिताब जो है था वो आपका फोर्ड वर्सेस फेरारी को मिला था। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म की बातचीत आती है तो 1917 थी बाफ्टा के अंदर। आउटस्टैंडिंग डेब्यू बाय ब्रिटिश डायरेक्टर या राइटर की बातचीत होती तो बैट को मिला। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर जोकर, और जोकर ने ही ऑस्कर के अंदर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का खिताब जीता। बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का खिताब 1917 ने जीता, और ये का ही खिताब ऑस्कर में 1917 ने ही जीता, यानी कि दोनों कैटेगरी सेम जीती। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा में एंडी सैरिक को गया, और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का खिताब जैकलिन ड्रोन को गया जो कि लिटिल वुमेन के लिए थी, और ये का ही खिताब इनको ऑस्कर में मिला था जैकलिन जी को। स्पेशल विजुअल इफेक्ट जो थे वो 1917 को मिले, और 1917 को ऑस्कर में भी स्पेशल विजुअल इफेक्ट मिले। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जो यहाँ थी वो थी क्लॉस, और वहाँ पे थी टॉय फोर। बेस्ट एनिमेटेड मूवी वहाँ पे कौन सी थी ऑस्कर के अंदर, टॉय फोर। तो इस तरह से आपको ये बाफ्टा और साथ में ऑस्कर की कॉम्पिटिटिव स्टडी पसंद आ रही होगी।
तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वो प्रश्न क्या कहना चाहता है, 73वां जो बाफ्टा था इसमें आपको बताना है बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला। और आपके विकल्प है जोकर, पैरासाइट 1917, लिटिल वुमेन और बॉम्बशेल। तो इसका सही आंसर होता है नंबर 3 यानी 1917। 1917 को बाफ्टा का बेस्ट मूवी का खिताब मिला। यही प्रश्न यदि ऑस्कर का होता तो फिर इसका आंसर होता 2 यानी पैरासाइट, जो साउथ कोरियन मूवी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो आपको ये कह रहा है कि बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले कैटेगरी के अंदर कौन सी मूवी ने जो खिताब जीता वो जीती थी पैरासाइट ने। अब पैरासाइट कौन सी भाषा की पिक्चर है वो आपको बताना। पैरासाइट साउथ कोरियन मूवी है यानी इसका सही विकल्प होता है 4। साउथ कोरियन मूवी पिक्चर है, कोरियन लैंग्वेज के अंदर है, जिसने बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और साथ में बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश का खिताब जीता। और ये कई किताब उन्होंने ऑस्कर में जीता था। और ऑस्कर के अंदर जो है वो बेस्ट एक्टर्स का किताब भी जो है वो जोकर मूवी वाले ने जीता था और बाफ्टा में भी सेम नहीं जीता। चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वन द बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज अवार्ड। और आपके विकल्प है पैरासाइट, 1917, जोकर और जूडी गार्लैंड। तो सही आंसर होता है इसका, जी हाँ बिल्कुल सत्य है आपका, बिल्कुल सत्य, पैरासाइट यानी पैरासाइट साउथ कोरियन मूवी को बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश का खिताब मिला, यहाँ पे भी बाफ्टा में भी और साथ में ऑस्कर में भी। इस तरह से आपको बाफ्टा और ऑस्कर की कॉम्पिटेटिव स्टडी काफी पसंद आई होगी। हमने आपके लिए ऑस्कर की पहले से ही एक वीडियो अपलोड कर दी है। आप ऑस्कर को डिटेल में देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप जो है वॉच कर सकते हैं। और लगातार बने रहिए हमारे साथ में आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कर्णी कॉमर्स क्लासेस पे। और तब तक के लिए बुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।